मार्केट्स में वोलेटिलिटी काफी रहेगी, क्योंकि अभी मार्केट जो लास्ट रशिया यूक्रेन के ऊपर और थोड़े हाईटेक वेपन्स यूज करने वाला है, प्लस हमको लग रहा है कि ग्लोबली अभी कोविड के केसेस भी बढ़े हैं, इंडिया में भी कोविड का आंकड़ा अभी 17-18 हज़ार हो चुका है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ी सी अनसर्टन है कि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो मार्केट्स में थोड़ा बहुत जो अपसाइड एक्शन है वो थोड़ा रुकेगा। ऑल्सो क्वार्टरली सीजन चालू है, तो ज्यादातर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्टॉक्स जहाँ पे नंबर्स अच्छे आ गए हैं और जहाँ पे नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं वहाँ पे मौके मिलेंगे, तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, बट ये स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अगर वो अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी प्रॉफिट बनाने के काफी मौके हैं। अविनाश सर, अगले हफ्ते के बाजार को किस तरीके से देखा जाए? क्या ग्लोबल क्यूज पे ज्यादा नजर रहेगी बाजार की और वहां से ज्यादा मूवमेंट दिखेगा, आना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए अर्निंग्स पहले फोकस पे रहेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली शेयर के प्राइसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, लेकिन अगर रशिया यूक्रेन के वॉर को लेके कोई और नेगेटिव सरप्राइज आती है या जैसे कोविड के केसेस में काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं यहाँ पे भी, तो डेफिनेटली ये बातें भी मार्केट्स नजरअंदाज नहीं करेगा, बट डेफिनेटली अर्निंग्स विल बी द फर्स्ट पॉइंट उत्कर्ष, उसके बाद मेरे ख्याल से, हालांकि नई एक्सपायरी है बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार से अभी हेडविंड्स दिख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट कॉशियसली ट्रेड करेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ही फोकस करिए, इंडेक्स हो सकता है कि नेगेटिव बायस से थोड़ा सा ट्रेड करे। देखिए जो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है वो बैंकिंग रहेंगे, कैपिटल गुड्स रहेंगे, ऑटोज में एक्शन रहेगा, मेरे ख्याल से ऑटोज में मारुति के जो नंबर आ गए वो डेफिनेटली बन चुका है, आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में थोड़ी सी कमेंट्री मैनेजमेंट की मिलेगी तो उससे अंदाज लगेगी कि आगे का रोड मैप और वॉल्यूम ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट के क्या थॉट्स है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेक्टर्स है ये आने वाले हफ्तों में भी अच्छी तरह से मोमेंटम पकड़ेंगे और ग्राउंड लेवल पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी अच्छी डिमांड है, इनफैक्ट मारुति के काफी व्हीकल्स है, महिंद्रा के काफी व्हीकल्स है जहाँ पे बड़ी लंबी वेट लिस्ट है, तो आई थिंक ऑटो कंपोनेंट। तो फोर व्हीलर टू व्हीलर स्पेस में आप कहाँ पे ज्यादा नजर बनाना चाहेंगे? टू व्हीलर में अभी भी थोड़ा बहुत अगर हम ग्राउंड पे बात करते हैं तो थोड़ी सी डिमांड की दिक्कत है। फोर व्हीलर में जैसे आपने कहा कि तीनों कंपनियां इसमें अच्छा कर रही है, मारुति भी अच्छा कर रही है, नंबर आपने कहा अच्छा है, टाटा मोटर्स की बात कर लो आप, महिंद्रा की बात कर लो, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑन मार्केट वो तो अच्छी हो रही है, लेकिन एज अ स्टॉक परस्पेक्टिव इन तीनों में से क्या चुने? अगर करें तो मैं समझता हूँ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छा करंट प्राइस पे चॉइस रहेगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, प्लस कंसोलिडेटेड एंटिटी के कारण हमने देखा कि नॉट ओनली उनके आईटी कंपनीज बट इवन ऑटो कंपोनेंट्स में महिंद्रा सीआई के नंबर्स काफी शानदार आ गए, तो उसका बेनिफिट भी महिंद्रा को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से महिंद्रा में हमारा पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पे 1050-11 है कि उत्कर्ष, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑलमोस्ट पीक से 50% डिस्काउंट पे चल रहे हैं और यहाँ पे बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प ये दोनों कंपनीज में हमको लग रहा है कि जो नेक्स्ट ट्रिगर होगा वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात रहेगी, हालांकि अच्छा मानसून होता है तो इनके लिए रूरल डिमांड भी पिकअप होगा, बट यहाँ पे सबसे बड़ी जो चैलेंज और रिस्क है वो कोविड को लेके, कोविड में अगर थोड़ी होने के लिए बहुत कम है तो हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो टू व्हीलर्स में काफी अच्छे लग रहे हैं अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक्युमुलेशन कर। उत्कर्ष, दो कंपनीज मुझे पसंद है, एक कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज, अभी ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट का लॉजिक ये है कि करीबन 60% वनस्पति और एडिबल ऑयल से आता है, ये सनफ्लावर ग्राउंडनट ऑयल बनाते हैं और सभी को पता है कि पाम ऑयल के शॉर्टेज के बाद कीमतें 20-25% बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है कि एथेनॉल का तो ट्रिपल बेनिफिट FY23 में मिलेगा, तो हमारा मानना है कि FY23 के करीबन 40 रुपए की अर्निंग आएगी, तो करीबन 550 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो ये एक अच्छा विकल्प है। दूसरा स्टॉक है जो कैश मैनेजमेंट स्पेस में काम करता है, CMS इन्फो, ये कंपनी हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया में ऑपरेट कर रही है, 15,000 कोर्ड्स में प्रेजेंट है, सबसे बड़ी बात कंपनी ने अपने तीसरे तिमाही में ऑलरेडी जो पिछले साल का प्रॉफिट था 160 उसके इसके बाद FY23 में 19-20 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है, सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी सेवी बिजनेस है और यहाँ पे मार्केट सुप्रीमेसी है, तो यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि कम से कम 6-12 मंथ में कोई अगर खरीदता है 265-260 में तो करीबन 350-360 का टारगेट प्राइस मिल सकता है, तो ये दोनों अच्छे विकल्प है ऐसे मार्केट में जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स